हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ केले का सब्जी। तो आज लोग जान ही सकते हैं बरसात का मौसम है, तो पहले मैं सब्जी नहीं काटूंगी, पहले मैं जा रही हूँ मसाले को तैयार कर लेती हूँ, यानी पीस कर उसको रेडी कर देती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए मैं मसाले में क्या क्या डालूंगी केले के सब्जी में। तो देखिए दोस्तों, मैंने केले का सब्जी बनाने के लिए मैंने मसाला में क्या लिया है, तो देखिए ये जीरा मिर्च लिया है मैंने, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ये हींग है, और दो मतलब छोटा इलायची है, ये दालचीनी का टुकड़ा है, और ये जो है दोस्तों ये जावित्री है थोड़ा सा, और दो छोटा चम्मच मैंने ये लिया है धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, एक छोटा चम्मच आमचूर्ण है यानी खटाई, और छोटा छोटा तेज़पत्ता मैंने ले लिया है आप लोग देख सकते हैं, और 4 से 5 मैंने लाल मिर्च ले लिया है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जितना तीखा खाते होंगे उसी के अनुसार आप लोग लीजिएगा। तो मैंने 4 से 5 से लिया है, मतलब लाल मिर्च सूखा है, और मैंने ये देखिए ये एक पोटी लहसुन है, इसका पूरा अच्छे से छिलका नहीं हटाया है, क्योंकि ऐसा रहता है तो थोड़ा दरदरापन ये मसाला तैयार होता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है सब्जी। तो देखिए दोस्तों, हम ले लिए हैं, अब इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये मसाला पीस कर तैयार कर लिया है दोस्तों। तो मैं उस टाइम भूल गई, 3 से 4 मैंने लवंग भी इसमें ऐड किया है, मैंने डाला है, और मैं उसमें याद नहीं पड़ा, ध्यान नहीं आया, मैंने नहीं बताया। और देखिए केला है दोस्तों, तो मेरा वीडियो कोई शूट करने वाला नहीं है, अकेले ही कर रही हूँ, और अकेले ही मतलब सब करेंगे, तो इसीलिए मैं इसका छिलका हटा कर आप लोग को दिखाती हूँ। छिलका हटाते समय का वीडियो मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई मतलब वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं इसका छिलका हटाकर दिखाते हैं दोस्तों, काट करके इसको। देखिए दोस्तों, केला का छिलका हटाकर मैंने इसको काट लिया है और अच्छे से साफ भी कर लिया है धो करके, आप लोग देख सकते हैं। तो छिलने के बाद मतलब ये ऐसा ही हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग छोटा या बड़ा पीस मतलब काट सकते हैं, तो मैं छोटा छोटा काटती हूँ दोस्तों। और देखिए मैं कढ़ाई भी रख दी हूँ गैस ऑन करके, और 2 से 2 चम्मच मैंने इसमें तेल लिया है सरसों का, और मेरा तेल भी गर्म हो चुका है दोस्तों। तो बिना देर के मैं इसको बनाती हूँ। तो इसको बनाने के लिए देखिए, इस तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा डालूँगी और एक तेज़पत्ता डालूँगी, और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा दोस्तों, तब इसमें हम प्याज डालेंगे। देखिए दोस्तों, जीरा मेरा ब्राउन कलर का हो गया है, तो मैंने ये 2 छोटा साइज प्याज कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, और इसको हम इसमें डाल लेंगे। बड़ा प्याज होगा दोस्तों तो एक ही काटिएगा, तो मैंने 2 छोटा लिया है, छोटा साइज का था, तो 2 प्याज लिया है मैंने, और इसको बारीकी से काट लिया है, और इसको हम हल्का ब्राउन कलर होने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा प्याज जो है भून कर रेडी हो गया है, और मैं इसमें जो केले को काटे हैं उसको हम डालेंगे, और इसको भी हम उलटकर अच्छे से भून लेंगे दोस्तों, अच्छे से इसको चला कर इसको भी अच्छे से भूनेंगे दोस्तों। मेरा ये केला जो है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से भून कर मतलब तैयार हो गया है, और हम इसमें जो मसाला पहले पीस कर तैयार कर लिया था वो हम उसको इसमें डालेंगे दोस्तों, और हम इसमें टमाटर देखिए हमने एक लिया है बड़ा साइज टमाटर, उसको कट कर दिया है, इसको इसमें हम डालेंगे, और मैं नमक इसी टाइम ऐड कर लेती हूँ दोस्तों। तो स्वाद के अनुसार आप लोग कम या ज़्यादा कर लेना है, तो मैं इतना देखिए मैं नमक इसमें ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से चला कर, और इसको हम और अच्छे से भून जाए, हम इसको ढक देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा ये मसाला भी भून कर रेडी हो गया, देख सकते हैं इधर मतलब तेज छोड़ने लगा है, और आप लोग चाहे तो इतना ही पर भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पक गया है, रोटी पर खा सकते हैं, बट मुझे चावल के साथ खाना है, तो मैं ग्रेवी बनाऊंगी दोस्तों। तो देखिए मैं इसमें ऐड करूंगी, मतलब 1 कप मैंने पानी इसमें डाला है, और इसको हम अच्छे से देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम मिला लेंगे, और इसको हम ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। इसको सीम आँच पे दोस्तों पकाना है, मैं बिल्कुल ही सीम आँच पे पका रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ दोस्तों, देखिए मैं सीम आँच कर लेती हूँ। दोस्तों, मेरी बेटी बैठकर पढ़ रही है, तो अभी नहाई नहीं है, तो अभी बनने में 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट लगेगा सीम आँच पे किए हैं, तब तक हम इसको नहवा लेते हैं दोस्तों। क्या पढ़ रही हो, क्या पढ़ रही हो,
देखिए हंस रही है, नहीं बता रहे हैं दोस्तों, तो हम इसको नहवाकर और उसको बनाकर दिखाते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, प्यार सपोर्ट करते रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने अपने बेटी को नहवा दिया है, नहा ली है, देख सकते हैं आप लोग। लाडो बेटी में नहा ली और सारा काम मैंने निपटा लिया है। मेरा सब्जी भी हो गया था, देखिए इसको उतार लिया है, तो कुछ इस तरह से केले का सब्जी आप लोग देख सकते हैं, एकदम चटपटा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग इस सोच मतलब रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ इसको आप लोग खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो इसको आप मतलब एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, ऐसा बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इस तरीके से जरूर बनाइएगा दोस्तों। और मैं बड़ा बड़ा पीस केले का नहीं काटी थी, क्योंकि मतलब उतना नमक उसमें अंदर नहीं जा पाता है, चाहे अच्छे से मतलब उसका स्वाद कुछ अलग हो जाता है दोस्तों। इस तरह से करने पर स्वाद इसका बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार जरूर आप लोग बनाइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरा ये केले का सब्जी कैसा बना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।